मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 5,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें से 51,00,000 पौधे अकेले इंदौर में लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में हरित क्रांति करने का संकल्प लिया है, जिसमें पूरे प्रदेश में 5,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से अकेला इंदौर 51,00,000 पौधे लगाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक दिन में एक स्थान पर 11,00,000 पौधे लगाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदौर का नाम दर्ज होगा। महापौर ने कहा कि ये सारी गतिविधि केवल लक्ष्य पूरा करने और रिकॉर्ड के अपने नाम करवाने के लिए नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम कंक्रीट के जंगल ना देकर हरे भरे जंगल दे सकें, इसलिए केवल एक साल ही नहीं बल्कि हर साल हम 51,00,000 पौधे लगाकर उनको वृक्ष बनाने का संकल्प लेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को हरित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ 5,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उसमें से अकेले इंदौर 51,00,000 पौधे लगाएगा 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक, और 14 जुलाई को एक दिन में 51,00,000 पौधे लगाकर हम विश्व कीर्तिमान बनाएंगे, ताकि इंदौर स्वच्छता में नंबर वन के साथ साथ हरियाली में भी नंबर वन हो, हमारा ग्रीन कवरेज 9.5 से बढ़कर आगे बढ़े और हरियाली में इंदौर देश भर में नंबर वन हो। नहीं, हमने पिछले साल एक दिन में 1,25,000 पौधे लगाए थे और उसका सर्वाइवल रेट लगभग 40% है। इस बार भी जो हम 51,00,000 पौधे लगा रहे हैं उसके एरिया को जियो टैग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगा रहे हैं। 11,00,000 पौधे जहां लगा रहे हैं उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमको विश्वास है कि मैक्सिमम सर्वाइवल रेट रहेगा। मैं कोई झूठा ना वादा करता हूँ ना आपको आश्वासन देता हूँ कि जितने लगाएं उतने रहेंगे, लेकिन जितने लगाएंगे उसमें से यदि आधे भी बचते हैं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।